कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। हमारी पार्टी बयान पर स्पष्टीकरण दे चुकी है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है, सेना पर बयान दिया है उन्होंने। दिग्विजय सिंह की निजी राय है, जो सेना पर बयान दिग्विजय सिंह ने दिया ये उनकी निजी राय है, ये कहना है खड़गे का। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है, मेरे माइंड में सिर्फ जनता है। जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और हिंदुस्तान की जो इश्यूज है वो हैं। मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको है। मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा नफरत फैलाई जा रही है उसको मिटाना है। इफ यू रीड आवर स्क्रिप्चर्स, राइट, इफ यू रीड भगवद गीता और यू रीड द उपनिषद, यू विल सी इन इट, इट्स रिटन दैट द ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन, द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट। सो यू कैन बैन, यू कैन सप्रेस द प्रेस, यू कैन कंट्रोल द इंस्टीट्यूशंस, यू कैन यूज CBI, ED, ऑल दिस स्टफ, बट द ट्रूथ इज द ट्रूथ। Truth is shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and, you know, oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out.